2024 जहर आयो एथलेटिक्स क्लब दूधिया स्कूल की तैयारी। हड़िया भट्टी में दारू भट्टी में बैठे रहते हैं और दारू पीते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों जिस प्लेयर को 200 रुपये में देखने जाते हैं वही प्लेयर बाहर जाके वहाँ 10 रुपये का हड़िया पीता है, दारू पीता है। तो जोहार, फिर से स्वागत है मेरे ऊपर नई वीडियो में, और आज हम लोग बात करते हैं जहर आयो एथलेटिक्स क्लब दूधिया स्कूल के बारे में। तो अपन जानते हैं 2024 का जो पिक्चर है वो निकल गया है, और उसमें कौन कौन सा टीम पार्टिसिपेट कर रहा है वो पिक्चर के माध्यम से आप लोगों तो जानते ही होंगे, और पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरह का अरेंज किया गया है। तो चलिए वो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। और रही बात टिकट का, तो अपन जानते हैं इस बार जो टिकट है वो जहाँ तक हमको सुनने में आया है और जो टिकट वायरल हुआ है 200 रुपया करके पर कैंडिडेट टिकट रखा गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके अनुसार से टिकट का जो प्राइस है क्या सही में ज़्यादा है या कम है, तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएँ। और जहाँ तक मेरा राय है, मेरा सोच है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, मेरा क्या सोच है और हम क्या सोचते हैं सही में इतना होना चाहिए कि नहीं। टिकट जो वायरल हो रहा है दूधिया स्कूल का, तो कौन सा जगह में कितना टिकट का रेट है ये तो पता नहीं चल रहा है, फिर भी एक टिकट वायरल हो रहा है जिसमें 200 रुपया रेट लिखा हुआ है, तो इसका अनुसार से जहाँ तक लग रहा है कुछ ज़्यादा ही है। हो सकता है चेयर के लिए शायद 200 रुपये लिया जा रहा हो। 2018-19 की बात किया जाए तो जब हम लोग विन किए थे और जब हम लोग खेलने जाते थे तब की बात है, तब शायद 20-25 रुपये पर कैंडिडेट चेयर में लिया जाता था, जो जिसको चेयर में देखना होता है। और वैसे कुछ जगह जो है एक साइड फ्री पूरा रखा जाता था और उधर में कोई भी दर्शक के लिए पैसा नहीं लिया जाता था। उसका मुकाबला अभी तो देखे रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पूरा मैदान का चारों धार पूरा छेक दिया है और मन मर्जी पैसा ले रहा है, इसका हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है, और फिर भी बहुत सारे दर्शक तो खेल देखने जाते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है जो आप लोगों स्टेडियम में 200 रुपये टिकट करके प्लेयर लोगों को देखने जाते हैं, वही कुछ लोकल प्लेयर हैं जो खेलते हैं बाहर में गेम ख़त्म होकर हड़िया भट्टी में दारू भट्टी में बैठे रहते हैं और दारू पीते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों जिस प्लेयर को 200 रुपये में देखने जाते हैं वही प्लेयर बाहर जाके वहाँ 10 रुपये का हड़िया पीता है, दारू पीता है। तो ऐसा मैच देखने से अच्छा है आप लोगों बड़े बड़े स्टेडियम में जाइए और वहाँ देखिए। अभी डोरंडो कप भी चल रहा है और वैसे मैच स्टेडियम में होते ही रहते हैं, हम लोगों का जमशेदपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, तो ये सब जगह में बड़ा बड़ा मैच होते ही रहता है। तो अगर आप लोगों प्लेयर बनने का इच्छा रखते हैं और आप लोगों को लगता है कि नहीं हम लोगों को भी ऐसा खेलना चाहिए, तो उससे अच्छा है आप लोगों स्टेडियम में जाइए, वहाँ पे बड़ा से बड़ा प्लेयर का मैच देखिए और उनका स्किल डिसिप्लिन सारा चीज़ जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। मेरा बोलना ये कि आप लोग अगर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो और फुटबॉल के माध्यम से हम लोग सोचते हो कि नहीं चलिए हम लोग कुछ अच्छा करेंगे और हम लोग भी अपना फुटबॉल का माध्यम से करियर बनाएंगे, नाम कमाएंगे। और चलो ये तो मेरा पर्सनल राय है कि आप लोगों को अच्छा गेम देखना हो और अच्छा प्लेयर बनना हो तो बड़ा टूर्नामेंट जैसे ICL हो गया, डोरंडो कप हो गया, वैसे बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो वो सब मैच स्टेडियम में जाके देखना चाहिए। तो बस यही सब बोल के ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे ओर से टाटा बाय बाय और जोहार।